Hello student, how are you? I think all are fine. I am Gautam sir. मैं तुम्हारे लिए आज इंटीग्रेशन की कंटिन्यूएशन करेंगे और मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन की करा होगा और उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन की पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूला की टिप्स बताया था, जो फॉर्मेट बताया था, अब उसी फॉर्मेट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम में आपको ये जो बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आप लोग उसको करते रहिए और आगे देखिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपको आगे कोई क्वेश्चन की जरूरत है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको और भी क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। Here numerator degree is 2, denominator degree also 2. When degree of numerator and degree of denominator are same, तब क्या करना होता है, तब divide करना पड़ेगा। Otherwise ये सब अच्छे से point को note करो। First rule, degree of numerator and degree of denominator equal होता है, तो आप उसको divide करो। Otherwise degree of numerator more than the degree of डिनोमिनेटर होता है, तो अभी डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको डिवाइड करने के लिए देखो, यहाँ पे हमने रीअरेंज करा, ये डिविडेंड है, दिस इज डिविडेंड, और इसको ओपन करेंगे तो दैट इज माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, और आपको पॉलिनोमियल डिवाइड करना आता हो, माइनस स्क्वायर यहाँ पे माइनस टू स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर, 1 by 2, माइनस 2 स्क्वायर इनटू 1 by 2, दैट इज माइनस x स्क्वायर, और दिस इज x by 2, x टर्म नहीं है, तो उसको साइड में लिखा, फिर उसके बाद साइन चेंज करा, आप x by 2 प्लस 1, और दैट डिवाइड नहीं हो सकता है, बिकॉज़ डिग्री ऑफ डिवाइजर इज मोर देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होते हैं यहाँ पे, देखो मैं लिख देता हूँ, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। कोसेन को क्यू से ड्यूरिंग किया, कोसेन प्लस रिमाइंडर को आर और डिवाइजर, कोसेन प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर इंटू पी एक्स, ये फॉर्मेट याद रखा। आप कोसेन की वैल्यू हाफ, रिमाइंडर इज माइनस एक्स बाई टू प्लस वन, एंड डिवाइजर इज माइनस टू स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टेक एलसीएम माइनस एक्स प्लस टू बाई टू, तो इसको आपने हाफ बाहर रख दिया, और इसमें भी जैसे फॉर्मेट थे एक्स कॉमन लेके वन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। आपको मैंने लास्ट क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्मेट बताया था, देखो उस फॉर्मेट में आ गया। अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू को निकालना चाहते हैं। अच्छा, ये डिवीजन आप लोगों ने समझ गया, ये डिवीजन कैसे करते हैं, हमें डिवीजन एरिया उससे ना हम उसको इरेज कर दिया, आपको जरूरत पड़े तो पॉज करके उसको नोट कर लेना। माइनस एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स इक्वल टू a by x plus b by 1 minus 2x, after that take LCM, so a into 1 minus 2x, b into x, जब LCM करने के बाद ये x into 1 minus 2x, ये both side denominator से cancel हो जाएगा। After that dividing coefficient, both side from x square and x, x and constant, यार x square नहीं है, x and constant, equating coefficient
of x and constant. The coefficient of x is minus 1 and this is minus 2a and this is b. This is equation 1. Constant term is 2 is equal to a. So a is equal to 2. Very simple. Okay, a is equal to 2. Put a is equal to 2 in 1. Minus 1 is equal to minus 2 into 2 to minus 4 plus b. That is 3. Minus 1 plus 4 is equal to 3. तो ए बी जब आ गया तो आप इसमें फिर से आ जाओ, आप देखो ये जो हमने x माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स को आपने ये आजू किया था, आप इसमें इंटीग्रेशन ले लेते हैं, a की वैल्यू आपने टू आया तो टू बाई एक्स डी एक्स प्लस आप जैसे ऐसे ही रखा इंटीग्रेशन, b की वैल्यू थ्री बाई 1 माइनस 2x. अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हाफ ऑफ कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 बाय x log ऑफ x दैट इज 3 बाय 2 एंड दिस इज log ऑफ 1 माइनस 2x एंड देन आफ्टर दैट ये 1 माइनस 2x की डिफरेंशिएट करोगे माइनस टू आता है, इंटीग्रेशन का लिखा होता है नीचे लिखा जाता है और प्लस सी, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा कर सकते हैं जे वन माइनस टू एक्स को टी ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस टू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज इक्वल टू वन, दैट इज डी टी बाई डी एक्स। देखो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू आ जाए, आ गया था माइनस टू, फिर लॉग एक्स आएगा लॉग टी और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके नाउ इसको नोट करके पॉज करके नोट कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, बिकॉज आपको के पास वेरी शॉर्ट टाइम है, जिससे आपको ज्यादा क्वेश्चन हो जाए मैं ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, जैसे फिर से हम बताना चाहेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें भी मैंने आपको आगे बताया था ये डिनोमिनेटर का डिग्री जब स्मॉल होगा न्यूमेरेटर से, न्यूमेरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तब उसको डिवाइड करना होता है, तो फर्स्ट आपको इसको टारगेट है इसको डिवाइड करना है। आप देखो डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, चेंजिंग द साइन that is this is 2x plus 1 or further divide ho sakta hai because degree of this remainder is less than the degree of divisor, to aapko abhi kya karna hai fir formula formation same quotient plus remainder by divisor into dx। ab quotient kya hai x ye ho gaya quotient, remainder ye ho gaya 2x plus 1, डिवाइजर हो गया x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dx। ओके आफ्टर दैट नाउ x d ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट इज द आइडेंटिटी इज x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 इनटू dx। ओके नाउ it is in the again it is in the form partial differentiation, so again you substitute here, I erase this statement, now after that 2x plus 1 by x plus 1 into x minus 1 is equal to a by x plus 1 plus b by x minus 1, right? So take LCM, a into x minus 1, b into x plus 1, right? Now including the coefficient, same. Equating the coefficient. So, देखो यहाँ पे 2 coefficient of x2, इधर a, this side b, this is 1. Constant term 1,
that is minus a plus b is equation 2. Now solving these two equation, solving minus a plus b is equal to 1. Now cancel both side, both of them. Now b plus b is equal to 2b is equal to 3. B is equal to 3 by 2. Now after that, substitute the value of b is 1. Okay, put b in 1. So a is equal to 2 minus 3 by 2. Because 3 by 2, shifting karoge dusra side, it will be change sign. So 4 minus 3 by 2, 2 is a 4, 4 minus 3, that is 1 by 2. So a b nikal gaya. After that, you solve again. Now 2x plus 1, this whole thing is a by this, a means 3 by 2 by x plus 1 into dx. And next, no, b a equal to half, b 3 by 2, okay? A equal to half by x plus 1 dx plus 3 by 2 by x minus 1 dx. After that, integration of x is x square by 2. Integration of 1 by x plus 1 is log of x plus 1, or integration of log 3 by 2, 3 by 2 constant, 1 by x minus 1 is log of x minus 1 plus c. Each and every time mein c zarur likhna, c be bahut importance hota hai, constant likhna, because it is independent integral hai. इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन में ईच एंड एवरी टाइम में सी लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स काट हो जाए। आप देख रहे हो, अच्छा कोई बच्चा ने सोच रहा होगा, अरे सर आपने तो बहुत लेंथी मेथड कर रहे हैं, आपने तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू 1 डाल देते हैं, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2, अरे यहाँ पे 3 बाय 2, बहुत सिंपल से आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस 1 डाल दो, 0 हो गया, और यहाँ पे ए की वैल्यू हाफ को हाफ आ जाएगा। बट नो, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाले रूल को जो है अवॉइड करा है, ये वाले रूल जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक कोएफिशिएंट मेथड ही आपको अप्लाई करना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? आपने कर देते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलते हैं बोर्ड के मार्क्स कम कहाँ से आए हैं, ये सब छोटा छोटा टेक्निक होते हैं, इसको फिर अवॉइड नहीं करना चाहिए, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 by x to the power 4 minus 1 into dx. अब देखो इसको हम क्या करेंगे, x to the power 4 पे x square minus b square कर दो, x square plus 1 into x square minus 1 into dx. अच्छा, आपको मैंने एक थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद मैंने आपको छोटा सा टेक्निक बताएंगे, जैसे कि आप कई बच्चे ने ऐसा करते हैं, अरे इसको तो और कुछ नहीं होगा, ये a प्लस b इंटू ए माइनस बी कर दिया, और b कर दिया तो यहाँ पे देखो आपका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो फॉर्मेट होता है, देखो फॉर्मेट ये है, लेकिन इसको करना नहीं है, आगे मैं आपको शॉर्ट बताएंगे, जैसे आपको समझा रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू, तो आपने क्या करोगे, ax प्लस b बाय x स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे b बाय x प्लस b हो गया ना, यहाँ पे c लिखना पड़ेगा, कि क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी के लिए जो मैंने फॉर्मा लिखाया था उसको फिर एक बार रिवाइज कर लेना, c by x plus 1 d by x, आते तो ये बहुत बड़ा होगा, बिकॉज़ चार कांस्टेंट होंगे a b c d, इसके रीजन में जब डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर 1 है और यहां पे स्क्वायर की फॉर्मेशन में आया है, तो उसके लिए एक टेक्निक अप्लाई करेंगे, जो इस टेक्निक को आप इसी तरह आप करो, देखो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर जो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस कर दिए, और डिनोमिनेटर इज रिमेन सेम, वेट करो, सब एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों को पता है, कोई हाथ उठा रहा होगा, कोई बता रहा होगा, अरे अरे सर इसे बैलेंस करना है, यस, बिकॉज आप देखो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, देखो ये x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहेगा, 2, 1 की जगह 2 रह गया, हमें तो 1 चाहिए, तो इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपको 1 ही फॉर्मेट बन जाएगा, तो आप उसके बाद देखो बहुत सिंपल हो गया,
ये इसको स्प्लिट करो, दिस बाय दिस करोगे तो ये कैंसिल होगा, तो रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, फिर माइनस आप इनको डिवाइड करो, ये कैंसिल होगा वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो ये पूरा इंटीग्रेशन है, हाफ होल से मल्टीप्लाई है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब आपको ये आइडेंटिटीज हमने आपको बताया था, ये वन बाय, देखो आइडेंटिटीज बहुत जरूरी होता है, बिना आइडेंटिटीज से तो फिर आगे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आपको जैसे हमने बताया था वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू क्या होता है, वन बाय टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस सी, और वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इनटू डी एक्स, तो वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। देखो यही फॉर्मेट है, ए यहाँ पे वन है तो आप इसको लिख सकते हैं वन बाय टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, और ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर की फॉर्मेट है, ये वन है, दैट इज डायरेक्टली आप लिखोगे टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया इस टाइप का सिंबल। देखो आपने इसको याद रखते हैं, ये टेक्निक को याद रखते हो तो फिर आपको लेनी नहीं पड़ता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, आप लोग पॉज करके कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाय एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन इंटीग्रेशन वन बाय एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। अब एक चीज ध्यान रखो, ये जो एक्स टू द पावर एन और यहाँ एक्स है, तो आप ऐसा करो, देखो मैंने साइड में टेक्निक सिखाता हूँ, पुट करना है एक्स टू द पावर एन को टी डालने का, तो इसकी आइडेंटिटीज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इजिकल टू डी टी बाय डी एक्स। एक्स टू द पावर एन माइनस वन इजिकल इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई एन। अब हमने इसमें दो वे में कर सकते हैं, देखो आपने यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई एन इंटू एन माइनस वन करोगे तो डी एक्स की जगह यहाँ पे ये डालोगे तो नीचे एक्स बार एक्स इंटू एक्स बार एन माइनस वन आ जाएगा, तो उसको ऐड करके एक्स बार एन। अदरवाइज आपको एक टेक्निक मैंने बता देता हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स टू द पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई, बाकी जैसे हैं ऐसा ही आप रखो। आप देखो इन दोनों को, ये जो है एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स और डिनोमिनेटर देखो एक्स टू द पावर एन, पावर ऐड हो गए एक्सपोनेंट करूँ एक्स इसकी पावर एक्स टू द पावर वन ऐड हो गए, दिस प्लस दिस एक्स टू द पावर एन रहेगा, दैट इज एक्स टू द पावर एन माइनस। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट इन वैल्यू, देखो एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई एन डी ऑफ टी बाई एन, और इसकी वैल्यू एक्स टू पावर एन की वैल्यू टी और ये टी माइनस वन। अब देखो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, बट इसके लिए टेक्निक हम बताएंगे आपको, ये एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ए बाई टी ए बाई टी माइनस वन फिर एलसीएम करके कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालो। पर थोड़ा सा हम एक इजी मेथड बताता हूँ, इसमें देखो इसको आप वन बाई एन इंटीग्रेशन, जो इनमें से टी या टी माइनस वन में से स्मॉलेस्ट नंबर टी माइनस वन होगा, तो इसको ऐसा करो पार्शियल फ्रैक्शन वन बाई टी माइनस वन और वन बाई टी कर दे, मतलब इस चीज को आपने ब्रेक करा। अच्छा देखो आपने ब्रेक करा तो कैसे होगा, देखो आप इसको एलसीएम ले लो, अब ये साइड में देखा तो आपको जिसमें आपको डाउट ना रहे एलसीएम ले लिया, क्या होगा टी माइनस ऑफ टी प्लस वन कैंसिल वन बाई टी इंटू टी माइनस वन, यही सी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करते हैं, जब से पहले छोटा नंबर को पहले लिखा जाता है फ्रैक्शन में और माइनस ऑफ बिगर नंबर,
ठीक है। अब इसका देखिए फॉर्मेट बन गया, इस फॉर्मेट में आप इजीली निकाल सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1 बाय n 1 बाय t माइनस 1, ये आपको एवरीवन नोस, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ दिस माइनस log ऑफ t 1 प्लस c। अब इनमें आपको log का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जब ऐसा आपको दिखाई देते हैं तो log ऑफ a माइनस b दिस इज इक्वल टू log ऑफ a बाय b प्लस c। After that, substitute the value of p. What is the value of p? This is equal to log of x to the power n minus 1 by x to the power n plus c. हो गया? देखो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो इसी टाइप में क्वेश्चन हम और दे देते हैं, जैसे x इंटू एक्स टू दावर 4 माइनस 1। देखो जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन दिए थे 1 बाय x इंटू एक्स टू दावर n माइनस 1 या एक्स टू दावर 4 माइनस 1, तो हम इसमें से फिर से वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। इससे एक पावर 4 से 1 पावर 1 का मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे x इंटू एक्स टू दावर 3 एक्स टू दावर 4 बन जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1 dx। मुझे पता है बहुत सारे बच्चा सोच रहे हैं शायद बोर हो रहे हो, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इजी वे में बताना चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम देके बताना चाहता हूं और बच्चा को समझ आ जाए, लेकिन एंड तक वीडियो को देखना और आपको बहुत फायदा देगा। x की पावर 3 पर x 4 इनटू दिस, तो आप आगे सब्स्टिट्यूट करो, एक्ट इज पुट x to the power 4 is equal to 1, that is 4 x to the power 3 d of x is equal to dt. Now x to the power 3 into dx is equal to dt by 4, so that is 1 by 4 dx x cube dx is equal to dt. Same take t into t minus 1, again you will separate 1 by t minus 1 minus 1 by t into dt, okay, that is 1 by 4 1 by t minus 1, this is equal to log of t minus 1, that is minus log of t plus c. So we know identities of log x, log of x minus log of y, that is log of x by y, log of x by y. Okay. Next question, आप लोग पॉज करके लिखो। देखो ये 1 by e to the power x minus 1 dx। अब देखो इसमें से क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको डायरेक्ट log भी नहीं लिख सकते हैं, तो कोई नहीं है, e to the power x को आपने t डाला, differentiate with respect to x, e to the power x dx is equal to dt, because यहाँ पे t में 1 होते dt by dx, हमने direct dx यहाँ पे ले लिया, लेकिन हमारे पास सिर्फ dx की value ही हम substitute कर सकते हैं dt by e to the power x, लेकिन जब कोई question में substitute कर देते हैं another variable में, तो each and every term को भी उसी variable में लाना चाहिए, तो आप यहाँ पे x की टर्म में है, e to the power x को t लिया था, उसकी जगह t पुट कर दिया, आप देखो dt by t और e to the power x t minus 1, now dt by t into t minus 1, फिर अगेन देखो इसे पार्शियल फ्रैक्शन आ गया 1 by t minus 1 by 1 by t, स्मॉलर वाले को पहले लेते हैं, बिगर वाले को बाद में लिया जाते हैं। Now after that take integrate 1 by x, that is log, आपको सब अभी used to हो जाओगे धीरे धीरे, देखो minus log of t plus c, after that apply the log root log of t minus 1 by t plus c। नोट कर लिया,
आप जरूर नोट करो, सिर्फ देखने में नहीं होते हैं, नोट करना बहुत जरूरी होते हैं। आज मैं आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन की जो क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन की, उसी के बारे में बताया। आप नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को और भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन का कराएंगे, लेकिन इसको देखते रहिए, लिखते रहिए और फॉर्मूला भी साथ में लर्न करते रहिए, बहुत जरूरी होते हैं। बार बार बता रहा हूँ, लास्ट टाइम में इसकी बहुत हेल्प मिलेगा। हम ईच एंड एवरी चैप्टर को आपको सामने लेके आएंगे। बाय।